सुशासन दिवस के अवसर पर दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रशासन और जनता के बीच अधिकाधिक पारदर्शिता, पहुंच और तालमेल। सुशासन दिवस के अवसर पर आगंतुक अतिथियों का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत सम्मान के अवसर पर दीप प्रज्वलन द्वारा विघ्नहारी देवता गणपति की स्तुति की गई। यदाजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोति ईश्वर की महागणपतये नमः। आशीर्वाद से हमारा आज का ये समारोह आरंभ हो रहा है। सुशासन दिवस इसकी तरफ हमारा ये ठोस कदम। महागणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। कार्यक्रम में सभी आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत भाषण द्वारा भी स्वागत किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज इंडीड माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू एक्सटेंड टू यू अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ओकेशन ऑफ सुशासन दिवस और द गुड गवर्नेंस डे। गवर्नमेंट, एज वी ऑल नो, is the key actor in governance. Its actions impinge on the citizens on a day-to-day basis. Therefore, the motto given to us by our Honorable Prime Minister of minimum government and maximum governance is of great significance today. Governance in this context implies good governance, which is the mission of the present government. As we all know, as per the United Nations definition of good governance, there are 8 major characteristics. Good governance is participatory, it is consensus-oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive, and also follows the rule of law. सुशासन दिवस के अवसर पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। जब सुविधाओं के नित नए पंख मिलेंगे, उड़ेंगे तब हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के, क्योंकि अब हमारी इस उड़ान को एक नई दिशा मिली है। ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। जनहित की नीतियां और योजनाएं सरकार का कोई उपकार नहीं, काम है और हर देशवासी का हक, और उन्हें ये हक बिना भ्रष्टाचार के सही से और समय से मिले, आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। और अब इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है इंडिया, डिजिटल इंडिया। इस अवसर पर कई नई योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। ई गवर्नेंस विभाग ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सही प्रतिभा को विकसित करने के लिए ई गवर्नेंस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क निर्मित किया है। EGCF परियोजना का सही रूप से परिपालन डिजिटल इंडिया की सफलता में कारगर साबित होगा। और साथ साथ इस पर ये बुकलेट भी, उसका भी यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा गुजराती तथा बांग्ला भाषा के पोर्टल्स का विमोचन किया गया है।
सुशासन दिवस के अवसर पर ग्राहकों की इस मांग को देखते हुए डाक जीवन बीमा में निवेश की सीमा बढ़ाई जा रही है। 20 लाख से इसे 50 लाख तक किया जा रहा है। समय के साथ साथ योजनाओं को अधिकाधिक जनता तक पहुंचाने के प्रयास आरंभ से ही होते रहे हैं, बस उनका रूप स्वरूप जरूर बदलता रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भारत सरकार का वो अभिन्न अंग है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सरकारी कामकाज के तौर तरीकों को बेहद आसान, कार्यकुशल, सुलभ, सुविधाजनक, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है। और वहीं इसमें जनता की परस्पर सहभागिता को सुनिश्चित कर रहा है। हाल के वर्षों में विशेषकर 2-3 दशक से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्विसेज डिलीवर करने में, गवर्नेंस डिलीवर करने में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, प्रभावकारी हुआ है। और ई गवर्नेंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इसी चीज़ से हुई है। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है कि हम लोग दूर दराज के गांवों तक चीज़ें सर्विसेज लोगों को डिलीवर कर सकें। पर हमारे विभाग का यही मुख्य काम है कि हम लोग किस तरह से ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम जिसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले हुई है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य है कि हम अपने देश को किस प्रकार से बहुत डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में तब्दील करें और इसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से निर्माण करें। आज से 30-35 साल पहले हम लोग जब प्रयास करते थे किस तरह से लोगों को अच्छी सरकार दें, अच्छा शासन दें, हम लोग जब क्षेत्र में थे SDO के रूप में या कलेक्टर के रूप में, तो हम लोग कहते थे शासन आपके द्वार, लोग जा कर के कैंप लगाएंगे। हम पंचायतों में कैंप लगाते थे, हम ब्लॉक्स में कैंप लगाते थे, राशन कार्ड की समस्याओं का निदान करते थे, ओल्ड एज पेंशन की समस्याओं का निदान करते थे। लेकिन बात बनती नहीं थी और बात पूरी बनती थी कुछ हद तक और एक प्रकार से ड्राइव होता था। उस ड्राइव में कुछ दिनों तक बड़ी अच्छी लगता था, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन फिर चीज़ें वहीं की वहीं चली जाती थी। तो आज जो परिवर्तन हुआ है पिछले एक दशक में, 2 दशकों में, उसमें जो बहुत मेजर परिवर्तन है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो पावर इक्वेशंस हैं उन पावर इक्वेशंस में बदलाव आया है। आज भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम पूरी तरह ऑटोमेट हों, पूरी तरह गवर्नेंस में आएं, क्योंकि उनको लगता है हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, दिस इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। आज ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस में एक प्रकार से रियलिटी है और इस रियलिटी को हम नकार नहीं सकते। सुशासन की बात तो एक क्लोज सोसाइटी में भी होती है। चाइना ऑल्सो क्लेम्स टू हैव अ गुड गवर्नेंस, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी होती है। लेकिन हम सुशासन की बात डेमोक्रेसी में करते हैं, ओपन सोसाइटी में करते हैं। और जब हम देश के लोकतंत्र पे नजर डालते हैं तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज डेमोक्रेसी हैज ऑल्सो चेंज इनॉर्मसली फ्रॉम ए सोसाइटी ऑफ वॉन्ट टू ए डेमोक्रेसी ऑफ आइडेंटिटी टू ए डेमोक्रेसी ऑफ एस्पिरेशन रिफ्लेक्टेड बाई गुड गवर्नेंस। ये भारत के लोकतंत्र की पहचान बनी है। सोसाइटी कैसे बदल रही है, अपेक्षाएं कैसे बदल रही है। 90 करोड़ फोन है, दादी माँ लिखना पढ़ना नहीं जानती होगी लेकिन मिस्ड कॉल का मतलब समझती है कि उसके नाती और पोता उससे बात करना चाह रहे हैं। शी अंडरस्टैंड्स दैट। मैं एयरपोर्ट पे देखता हूं तो एक बूढ़ी अपने मोबाइल से अपना बुकिंग दिखाती है CISF के जवान को, तो टेक्नोलॉजी का पावर उसे समझ में आता है। इस अवसर पर सूचना एवं तकनीक से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। Thank you.
मैं महेश कुलकर्णी सीडैक जिस्ट पुणे से हूँ और मेरा डेसिग्नेशन है एसोसिएट डायरेक्टर एंड एचओडी जिस्ट ग्रुप। काफ़ी सारे उपलब्धियाँ भारतीय भाषाओं के लिए है कंप्यूटर के माध्यम पे। अभी हाल ही में हम एक कीबोर्ड लॉन्च करना जा रहे हैं, एंड्रॉयड बेस्ड कीबोर्ड है, ये 22 भाषाओं को समर्थित करता है। उसके साथ एक सकल भारतीय फॉन्ट है कि जो हम रिलीज़ करने जा रहे हैं आज, जिसके माध्यम से काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएशन का जो पार्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी सारा बढ़ावा मिलेगा और आम जनता तक जो ICT के फायदे हैं वो आम जनता तक पहुंचने के लिए मदद हो जाएगी। IT द्वारा जो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी का लाभ आम आदमी तक, श्रमिक तक भी पहुँचे, और उसी उद्देश्य से बहुत सारे प्रोग्राम जो है हम लोग जो चलाए हैं उनका बेनिफिट चाहे आप जनधन से शुरू करें, चाहे आप MyGov से शुरू करें, चाहे ये आपका जो लेबर डिपार्टमेंट का जो हमारा एप्लीकेशन है जिसमें आज की तारीख में उनकी सेवाएं हैं, जैसे PF का EPF की सेवा है, दूसरी रजिस्ट्रेशन की सेवाएं हैं, ये सारी की सारी सेवाएं उनको बेहतर रूप से मिल सकती हैं। आम आदमी के लिए उसी तरह हमारा सर्विस प्लस है जो कि पूरे देश में आम आदमियों को उनको तरह तरह की सर्विसेज उपलब्ध कराता है। नरेगा के प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं जो कि आम आदमी को उनके जो पूरे जो भी उनकी वेजेस बनती हैं उनको देने में उनको ट्रांसपेरेंट रूप से वो वेजेस मिलें, इस बात को वो इंश्योर कराता है। तो इस तरह से हमारा ई ग्रीटिंग्स का प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसमें ये उद्देश्य है कि लोग पेपर ग्रीटिंग्स ना भेज के इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रीटिंग भेजें। करोड़ों की तादाद में हम लोग ई ग्रीटिंग्स उससे जो है ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं जिससे पेपर का उपयोग कम हो रहा है। अगर 1 करोड़ ग्रीटिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे तो मान लीजिए आपने तकरीबन 100 पेड़ों को बचा लिया। और मैं नहीं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन उसकी बहुत कम मात्रा है। आने वाले समय में एक और जो हम करना चाहते हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं जिससे और भी कम जो है प्रदूषण हो सके, और उसकी तरफ हम लोग प्रयत्नशील हैं। labor.gov.in पर आप जाएंगे तो आपको श्रमिक से रिलेटेड बहुत सारी आपको सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जहाँ से कोई भी एक आम श्रमिक जो है अपने जो उसके बेनिफिट के लिए सुविधाएँ हैं उनको देख सकता है, चाहे वो RSVY हो, चाहे प्रोविडेंट फंड के बारे में हो, चाहे उसका इलाज के बारे में हो जो ESIC अस्पतालों में होती है, उस तरह की सारी तमाम सुविधाओं के बारे में labor.gov.in के ऊपर आप देख सकते हैं।